मैडम जी अगे हो जाओ अगे हो जाओ थोड़ा जा वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह जी। साढ़े इतने बच्चे पढ़ते हैं जो स्कूल की इतने मैडम जी पूजा जिन्हें साडे बच्चों के नाल साडे गुरुआ के खिलाफ साडे धर्म के खिलाफ हरिमंदर साहब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर के खिलाफ उन्हें माड़े शब्द वरते जी। जिस चीज़ को लैके असी प्रिंसीपल मैडम के नोट्स गल लिया जिन्होंने उन्होंने ध्यान की गल लिया उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की जी। अज सू मजबूर होकर जथेबंदियों दसना पाया वो सारिया जथेबंदियां कट्ठिया हुई कोई इतने स्कूल के बच्चे पढ़ने वास्ते आते सिक्ख्या लैन वास्ते आते पर उन्होंने जोड़ा इतने गलत गाइड किया जाता उन्होंने दसा जाता भी तुम खालिस्तान मंगते जे तुम वह करते जे तुम ये करते जे योजा पखंडबाजी करते असी बेनती करने भी योजे स्टाफ की जी जॉब कार्रवाई बनती है वो सानू एस टी ओ साहब ने विश्वास दिता भी असं उन्होंने परचा दर्ज करा ठीक है जी। तो होना चाहिए असी योजा व्यवहार जोड़ा इतने नहीं चलन देंगे जी। साड़ी ये बेनती है जी। तो जो कुछ होया बहुत माड़ा होया चंगा नहीं होया जी। जिन्ना भी स्टाफ है एक होर से टीचर आ वो बच्चों इस तो डेढ़ महीना पहले बच्चों कुत्ती के बच्चे बोलिया जी। मैं उसको पूछा भी तू कुत्ती के बच्चे क्यों क्या वह भी मैं प्रिंसीपल मैडम के अर्चना मैडम के मैं नछत्र सारा उन्होंने ध्यान में गल लिया जी पर किसी स्टाफ ने कोई उन्हें एक्शन नहीं लिया जी कोई साढ़े सामने नहीं बुलाया जी। एक बार नहीं वार वार ये गल हो रही जी। बच्चे जो तो खाना तैयार होंदा है जिन्हें दस्तारा बदिया हुई हैं उन्होंने मैडम आवाज मार दी आ जाओ खालिस्तानियों रोटी खा लो आओ चौल खा लो खा कुड़ियों आ खालिस्तानी खड़े उन्होंने चौल खुआ दसो जी ये सही आ जा गलत आ ये कुछ स्कूल के असी इन्ना कुछ कहें हुए मैं अचक इन्हें जो कार्रवाई बनती वो जरूरी होनी चाहिए जी। सानू फिर ही जिन्हिया जथेबंदियां ने सानू फिर ही विश्वास आएगा जी। मेरा नाम बख्शीश सिंह है जी बै गुजरा मेरा पिंड है जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दास रेशम सिंह खुखराणा सीनियर मीत प्रधान गुरशब्द प्रचार संत समाज। अज असी इतने बै गुजरां दे विच आए हैं इतने एक टीचर है पूजा नाम की उन्हें सिख धर्म के खिलाफ मंदी शब्दावली वरती वो भी बच्चों के सामने जिहड़ा कि बहुत वड्डा कानूनी जुर्म बनता जिथे सिख धर्म का अपमान किया सिख गुरुआ का अपमान किया उत्थे सरकारी मापदंडां की भी पूरी उलंघना हुई है क्योंकि किसी सरकारी अदारे दे विच धर्म नूं लैके जात पात नूं लैके छुआछात नूं लैके कोई असीं टिप्पणी नहीं कर सकते विरोध नहीं कर सकते पर इन्हां सरकारी मापदंडां का भी विरोध किया सिख धर्म की भी निंदा की है गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की भी निंदा की है और उन्हें बहुत घटिया शब्दावली वरती है
जिहदे रोस वजों जदों बच्चियां ने अपने मापियां नूं दस्सिया, उन्होंने दो बार इतों पहलां आके प्रिंसीपल दे नाल मुलाकात भी कीती है, उन्हूं अपने रोस दर्ज करवाया, पर उस तों बाद ये दोबारा तीजी बार ये घटना फिर वापरी है। भी बच्चियां नूं ये भी कहा गया कि मेरा की कर लिया, पर हुण सिख जथेबंदियां ते इलाके दीआं संगतां इत्थे एकत्र होईआं, प्रशासन आया ते साडी मंग सीगी कि उस टीचर नूं सस्पेंड कीता जावे ते नाल ही उत्ते परचा दर्ज करके उहदी अरेस्ट पाई जावे। सानू प्रशासन ने विश्वास दवाया, एस एच ओ सरदार गुरप्रीत सिंह जिहड़े इत्थे मौजूद आ, इन्हां ने भरोसा दवाया कि परचा दर्ज किया जाएगा। तो डी ओ साहब नूं असीं लैटर दे रहे हैं, वह भी आए हैं, उन्होंने कहा कि असीं इहनूं सस्पेंड करन वास्ते दरखास्त अगे महकमे नूं भेजांगे, पर जे ये सारा कुछ ना होया तां आउंदे दिनां दे विच असीं इस स्कूल दे सामने जिहड़ा वड्डा रोड आ उह रोड भी जाम करांगे, इत्थे धरना भी देवांगे, इहनूं बख्शांगे नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो हालात इहो जिहे बनाते केंद्रीय एजेंसियां ने पंजाब दे हालात खराब करन दी कोशिश कीती जा रही। कदे कोई शिवसेना वाला सिख धर्म दे खिलाफ बोलदा, कदे कोई जातिवाद दे मसले पंजाब दे विच उठा रिहा, जिहड़ी बहुत घटिया गल है, क्योंकि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सर्ब सांझीवालता दा संदेश गुरु नानक साहब ने दिता, असीं उहदे उत्ते पहरा दिंदे होए पंजाब दी अमन शांति नूं बरकरार रखना चाहुंदे आ, पर इह एजेंसियां जिहड़ियां इह माहौल खराब करना चाहुंदियां। जे माहौल नूं शांत रखना तां इस टीचर दे उत्ते परचा दर्ज करन दा जो भरोसा दिता वह दर्ज करके उहनूं अरैसट किया जाए। साडी इही बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इहदा कारण अज सिख जथेबंदियां नूं कल परसों दे फोन जा रहे थे, कोई इत्थों एक टीचर है डेरा सरसा दे, उहदा परिवार बिलोंग करता है, वह इत्थे बच्चों नूं बहुत माड़े सवाल करती सी गुरु साहिबां खिलाफ और श्री दरबार साहब के खिलाफ बोलती थी, उत्ते सिवना ला के रखा कि कर लिया तुम, होर धर्म के खिलाफ बोलती थी कि तो उन्होंने समझाया गया, पर इलाके के लोगों ने बहुत आदमियों ने प्रिंसीपल ने गल की होर मुख अफसर गल की पर कार्रवाई नहीं हुई। अज सारी जथेबंदियां सिख जथेबंदियां किसान जथेबंदियां इलाके दारिया संगत अज सवेर तो इतने कट्ठिया हुई सी बार रोड से, फिर दरी बिछा के स्कूल के आन के जो तो मांग की भी उस औरत परचा दर्ज किया जाए, तो कि प्रशासन वालों सिख जथेबंदियों ने कहते कि दरखास्त परचा दर्ज हो, महकमा डिसमिस करे अपने डी ओ साहब, ठीक आ, नहीं तो व्डे लैवल से इतने रोड जाम किया जाऊगा, हाईवे जाम किया जाऊगा। ये मैं एक पंजाब सरकार और सारे सिक्ख्या विभाग को दस देना चाहना, ये फिरोजपुर जिले की तीजी घटना इस हफ्ते वापर गई है। अज तो चार पाँच दिन पहलों मंडोड़ एरिए उत्थे स्कूल के प्रिंसीपल ने बोलिया तो अज ये घटना वापर गई आ। असी पंजाब सरकार ये गल दसना चाहते हाँ भी जे तो इन्हों नथ पा लवे इनकुआरी करके भी कौन इन्हें पिछले बुला रहा तो किवें बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो सानू वड्डे लैवल से इतने मजबूर ने इन्हों के खिलाफ संघर्ष बिटना पेगा, वो तो जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी तो सिविल प्रशासन की होगी। गुजरां दे विच स्कूल है सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, वो एक टीचर है, तो टीचर वालों इन्ने क अपशब्द धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज वास्ते जिन्होंने हिंद की चादर बन के सरब लुकाई का पत इज्जत रखी उन्होंने बारे बोले गए, फिर श्री हरिमंदर साहब वास्ते बड़िया भद्दिया टिप्पणियां कीतियां गईयां भी तुम चार किलो सोना चार इटा लाइया साडी लंका है, ये पता नहीं रावण की चेली सी, इस वास्ते योजे अपशब्दों के नाल इन्हें बच्चों संबोधित किया, तो बच्चों ने जाके घरे दसिया, फिर ये राबता कायम होया, राबता कायम होने तो बाद फिर आके बच्चों दबाई है भी तुम साडा की कर लिया, की कर लोगे, व्डे व्डे पगू बने फिर किसी कृपाना फड़ी फिर, बहुत ज़्यादा माड़े शब्द बोले गए जिहड़े कि एक सिख वास्ते नहीं जिहड़ा भी कोई इंसानियत नाते भी मनुख नूं सुनने वास्ते जिहड़े वह भी औखा हो जाता है। इस वास्ते हुण असीं इत्थे एकत्र होए सी सारे जथेबंदियां, बाबा जी आए सी, बाबा भुपिंदर सिंह जी दे सिंघ आए सी, बाबा इस तरह गुरदेव सिंह जी दे सिंघ आए सी, बहुत सिंघां ने एकत्र होए इत्थे, जथेबंदियां एकत्र होईयां, किसान जथेबंदियां भी, उन्होंने फिर प्रशासन नाल राबता कायम किया, तो प्रशासन दे विचों इत्थे जिहड़े इंस्पैक्टर साहब साढ़े सदर गुरप्रीत सिंह जी, उन्होंने बहुत सोहना साढ़े नाल जिहड़ा बिहेव किया, उन्होंने जिहड़े बनदी कारवाई सी साढ़े तो मंग पत्र लैके अगे वास्ते, वह कहिंदे असीं करदे आ,
जे करनगे ते इन्हां वर्गा गुरु दा सिख दूजा नहीं कोई हो सकदा। साडे वर्गे कृपाना फड़न वाले हो सकदे है, ये सच्चे सुच्चे सिख है, क्योंकि इंसानियत दा भला लोचदे है। जिहड़ा इंसानियत दा भला लोचेगा उहनूं सदा सलूट है। तो बनदी कारवाई जे होएगी तो उस तो बाद इन्हां दे अगे बेनती है भी रैसट भी पैनी चाहीदी है, तो चंगी तकड़ी सज़ा मिलनी चाहीदी है। भी इहो जे लोक जिहड़े भड़काऊ लोक है, जिहड़े इस पंजाब दी जिहड़ी इंसानियत है इहनूं अग लाउणी चाहुंदे है, इन्हां लोकां दे उत्ते वध तो तगड़ी कारवाई होवे तां कि जिहड़ा ठल पै सके। बहुत धन्नवाद जी सारियां जथेबंदियां दा ते प्रशासन दा ते आए हुए मीडिया सज्जनां दा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मेरे 9 बजे तो बाद गल ध्यान चाहिए तो गल ध्यान चाहते ही मैं सरदार करमजीत सिंह साढ़े BNO ने जीरा स्कूल के प्रिंसीपल ने इन्हां नूं तुरंत ये पता करने लई भेजिया, पर फिर भी मैं अपना फर्ज समझिया कि दफ्तर जो जरूरी रुझेवें से अद्धे घंटे निपटा के असी वापस उदों ही दफ्तर तो तुर पे हाँ ता कि इस घटना का पूरा असी पता लगा सकीए। पहला मेरे ध्यान च नहीं सी की घटना हुई है, इत्थे आ के ही मैनूं पता लगा कि इस तरह की कोई घटना वापरी है। सर उस टीचर के खिलाफ की कार्रवाई की? जो भी निजम कहणगे जी, जो कानून अनुसार कार्रवाई होगी, हायर अथॉरिटीज़ नूं सारी रिपोर्ट बना के भेज दी जाऊगी। पर इलाका निवासियों लोग क्या यार कि उन्हें तो FIR दर्ज की जाए तो उन्होंने सस्पेंड किया जाए डिसमिस किया जाए? सस्पेंड करना या डिसमिस करना यह हायर अथॉरिटी के अधिकार खेत्र च हुंदा, भी कानून अनुसार अजिही कार्रवाई करनी बनती है या नहीं बनती। असी जिहड़ी प्रॉपर रिपोर्ट है पूरा इनवैसटीगेट करके असी अज ही डिप्यूट करांगे, पूरे बयान ले जाएंगे सब दे विद्यार्थियों के अध्यापकों के, उस तो बाद पूरी रिपोर्ट बना के असी महकमे को भेज देंगे जी। जो कार्रवाई होगी कानून अनुसार वो की जाऊगी, कोई भी है ये इनवॉल्व है वो नहीं बख्शा जाऊगा। सर एक टीचर है जिंदों तो सब कुछ सीखता बंदा, तो जे वही गलत सिक्ख्या देने लग पे तो किवें चलेगा? बिल्कुल, जे कोई अजिहा करता जी ये माड़ा है, क्योंकि असी जिस समाज च रह रहे हैं बहुत ही खूबसूरत समाज है जिते सारे फिरके सारे धर्मां दे लोग मिलजुल के रहिंदे है, बहुत ही सोहनी धरती है पंजाब दी, इहदी कोई उदाहरण दुनिया च ही है नहीं जी। सो जे कोई अजिहा करता है तो बहुत मंदभागा। असी अज साढ़े अज ही नोटिस आया सी कि एक मैडम पूजा ने ते बह गुजरां दे इन्हां ने सिख धर्म बारे 9th क्लास च कोई अपशब्द बोलिया, तो जिहड़ा उहदे हिसाब से सिख जथेबंदियां ने साढ़े ध्यान च लिआंदा, इत्थे इकट्ठे होए इन्हां ने सानूं मंग पत्र दिता, उहदे बिहाव ते जो कार्रवाई होएगी कानूनी असीं करांगे। कोई रैसट वगैरह नहीं फिलहाल नहीं पाई, परचा दर्ज करके असीं रैसट भी पाऊंगे।